हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे नया मोबाइल सेल जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनेंजा सेल, जो कि 21 जून से लेकर 24 जून के बीच में रहने वाला है। आपको बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं सारी स्मार्टफोन डील्स आपको बताऊंगा, 80+ मतलब 80 से ज्यादा स्मार्टफोन डील्स बताऊंगा। उसमें से आज की डेट में ये सेल के दौरान कौन से स्मार्टफोन वर्थ है, लेने लायक है, कौन से बेकार स्मार्टफोन है, क्या कुछ एग्जैक्टली में आपको ऑफर देखने को मिल रहा है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमने जो है सैमसंग गैलेक्सी M32 की ऑनेस्ट ओपिनियन वाली वीडियो डाले थे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं 80 स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूं, तो सारे स्पेसिफिकेशन गिनाते नहीं बैठूंगा, सीधा बोलूंगा कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ आपका ऑफर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। पहले से ही आपको पता है वीडियो एक घंटे के ऊपर की बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो हो। साथ ही में अगर हम बात करें यहां पर ऑफर की या बोल सकते हो सेल के बारे में, तो 21 जून से लेकर 24 जून तक के यहां पर ये मोबाइल बोनेंजा सेल चलने वाला है फ्लिपकार्ट पे। एज वेल एज बैंक ऑफर की अगर हम बात करें, तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जो है आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन सुन लो, दो ऑफर यहां पर दिए गए। अगर आप फुल स्वाइप करते हो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से, तो ₹500 का आपको मैक्स डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI कराते हो, या डेबिट कार्ड से भी EMI कराते हो फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पर आपको ₹1000 का मैक्स डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट स्वाइप पे ₹500 ऑफ है। एंड अगर आप मतलब EMI कराते हो, तो ₹1000 का मैक्स डिस्काउंट जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं लाइन से 80 स्मार्टफोन डील्स आपको बताता हूं, उसमें से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें, तो आते रियलमी की तरफ से Narzo 30A ₹8250 में मिल रहा है। बैंक ऑफर वगैरह लगाओगे लाइक ₹7700 के आसपास मिलेगा। एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है हीलियो G85, ₹7700 में एब्सोल्युटली अमेजिंग डील, डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पोको M3 ₹10500 का ऑफर लगाओगे, मतलब EMI वगैरह पे लोगे ₹9500 का देखने को मिल जाएगा। ये भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, ऑलराउंडर तगड़ा स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रियलमी C20 ₹6800 में स्किप कर दो। नेक्स्ट है Narzo 30 Pro 5G ₹15000 का ऑफर में लोगे, मतलब डायरेक्ट स्वाइप कराओगे तो ₹1450 में मिलेगा, EMI से लेते हो तो ₹14000 में देखने को मिलेगा, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। Dimensity 800U वाला चिपसेट ₹1400 की रेंज में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है। एंड 5G स्मार्टफोन है, 120Hz डिस्प्ले वगैरह भी है, जबरदस्त, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका Realme 8 ₹14000 में आपको 4128 वाला वेरिएंट मिल रहा है, ऑफर में लगाओगे ₹13000-13500 की रेंज में मिलेगा, डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो, काफी बढ़िया है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर Poco X3 Pro ऑफर लगाओगे, प्रीपेड ऑफर लगाओगे, सारी चीजें लगाते हो, 628 वाला वेरिएंट है आपको इफेक्टिवली जो है 17-18 हज़ार की रेंज में देखने को मिलेगा। वो प्राइस पॉइंट पे काफी तगड़ा परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, स्नैपड्रैगन का 860 वाला चिपसेट 17-18 हज़ार की रेंज में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है। गेमिंग करना है under ₹20,000 में, सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर Oppo A53 ₹10,500 में स्किप कर दो। Mi 10T सीरीज ₹28,000 में, मतलब पता नहीं कैसे ये लोग देते हैं, मतलब रियल लाइफ में आपको ये ऑफर नहीं मिलता है, थोड़ा महंगे में ही आपको देखने को मिलता है, तो अराउंड 28-29 हज़ार में भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन IPS डिस्प्ले है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है अगर आप IPS के साथ में रह सकते हो। एंड बाकी के सारे फीचर काफ़ी तगड़े, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट है Pixel 4a ₹32,000 में, सिर्फ कैमरा यहाँ पर आपको तगड़ा देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग मतलब काफ़ी बेसिक सी 15-20 हज़ार वाले फ़ोन की है, तो सिर्फ कैमरा करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर एंड गूगल का आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तब देख सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 10S ₹9,500 का है, ऑफर लगाओगे ₹9,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, देख सकते हो अच्छा डिसेंट स्मार्टफोन है। Moto G10 Power ₹9,500 में स्किप कर दो। Realme X7 5G ₹18,000 में ऑफर में मिल रहा है, बैंक ऑफर लगाओगे ₹17,500 का मिलेगा, डेफिनेटली देख सकते हो। एमोलेड के साथ में 5G under ₹20,000 कोई अदर ब्रांड मुझे नहीं लगता कोई प्रोवाइड करा रहा है, जो कि Realme X7 में मिल रहा है, डेफिनेटली देख सकते हो ₹17,500 में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme 7 Pro ₹16,000 में 628 वाला वेरिएंट मिल रहा है, ऑफर के साथ लगाओगे ₹15,000-15,000 मिलेगा, बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है under ₹15,000 की रेंज में। डुअल स्टीरियो स्पीकर, एमोलेड डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, डिसेंट परफॉर्मेंस, 65 वोल्ट चार्जिंग, जबरदस्त पैकेज है। नेक्स्ट है यहां पर Redmi Note 9
11,000 रुपए का है, प्रीपेड पे 500 रुपए का ऑफ है, बैंक ऑफर लगाओगे 10,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, देख सकते हो डिसेंट स्मार्टफोन है। Redmi 9i 8,000 रुपए में स्किप, Moto E7 Power 7,000 रुपए में स्किप, Realme C21 8,000 रुपए का है ऑफर वगैरह के साथ में भी, मैं बोलूंगा इसको स्किप कर दो, इसके बदले में नार्जो 30A इससे फार बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर Redmi 9 Power 10,500 रुपए का, बैंक ऑफर लगाओगे 10 के अंदर मिल जाएगा, बहुत ही तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन आप कह सकते हो। Poco X3 15,000 रुपए में 664 वाला वेरियंट मिल रहा है, बैंक ऑफर के साथ में 14,500 रुपए में मिलेगा, डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो, ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। आज की डेट में भी तगड़ी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, जबरदस्त स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme X7 Max 5G ये भी 27,000 रुपए का, ऑफर वगैरह लगाओगे 26,000 रुपए मिलेगा, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है देख सकते हो। Infinix Note 10 11,000 रुपए का, ऑफर लगाओगे 10,000 रुपए के आसपास मिलेगा, ये भी अच्छा स्मार्टफोन है देखना चाहते हो देख सकते हो। Poco M3 Pro 5G 14,000 रुपए का, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme C25S स्किप कर दो, Vivo Y73 स्किप कर दो, Moto G40 Fusion 14,500 रुपए का, बैंक ऑफर लगाओगे 14 के अंदर मिल जाएगा, देखना चाहते हो देख सकते हो, तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन विद स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। Moto G60 18,000 रुपए में, अच्छा कैमरास चाहिए एंड रैम रोम अच्छा चाहिए एंड स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट चाहिए, देख सकते हो ये भी अच्छा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme 8 5G 14,000 रुपए का मिल रहा है, मैं बोलूंगा भाई 1,000 बढ़ा दोगे तो Narzo 30 Pro 5G इससे फार बेटर डील है, Dimensity 800U के साथ में, तो Realme 8 5G को स्किप कर दो। Infinix Hot 10 Play 8,500 रुपए में ठीक ठाक है और ऑफर के साथ में 8 के नीचे मिलेगा, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर Oppo A12 7,500 रुपए में स्किप, Poco C3 7,500 रुपए में मत लेना, Narzo 30A ये रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, Poco M2 Reloaded 9,500 रुपए में स्किप, Samsung F12 11,000 रुपए में स्किप, Infinix Smart 5 7,200 रुपए में और ऑफर के साथ में और कम में मिल जाता है, देख सकते हो बजट सेगमेंट में ठीक स्मार्टफोन है। Realme C25 10,000 रुपए में स्किप, Infinix Hot 10 9,500 रुपए में देखना चाहते हो देख सकते हो, Oppo F19 सीरीज स्किप कर दो, Realme X7 Pro 5G 27,000 रुपए का ऑफर के साथ में 26 वगैरह के आसपास मिलेगा, देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि Realme X7 Max के साथ में जाओगे जो कि इससे बेटर स्मार्टफोन है यही रेंज में। नेक्स्ट यहाँ पर Realme C12 8,000 रुपए में स्किप, Realme 8 Pro 4G वाला जो 18,000 रुपए का मिलता है मत लेना, इससे बेटर है कि X7 5G ले लो या Redmi Note 10 Pro वगैरह, इससे बेटर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर Moto E7 Plus 9,000 रुपए में स्किप, Samsung F02S 9,000 रुपए में स्किप, Samsung F62 24,000 रुपए में स्किप कर दो, ये जब ऑफर में 18,000 रुपए में मिलेगा तब आप परचेस करना, आगे चल के आपको मिलेगा ऑफर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 24,000 पूरा पैसे आज की डेट में देना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आती है iPhone 11 50,000 रुपए का, मैं बोलूंगा ऑफर के लिए वेट करो, 42,000 रुपीज तक के मिलते हैं, जब ठीक है 50,000 रुपए में आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है। Vivo X60 5G 38,000 रुपीज में स्किप, ROG Phone 3 42,000 रुपीज में स्किप, इससे बेटर है कि IQ7 Legend वगैरह ले लो, सिर्फ गेमिंग के लिए 40,000 रुपए देना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। साथ ही में Oppo F17 Pro 18,000 रुपए में स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme X50 Pro 5G ये जो आपका जो 12GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस पॉइंट है 31,000, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो 25,000 रुपए वाला वेरिएंट है आपका ऑफर के साथ में 24 में मिलता है वो एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है, 865 एंड 90Hz का AMOLED सारी चीजें मिलती है, 25,000 वाला वेरिएंट आप देख सकते हो। Realme X3 Super Zoom Edition 22,000 रुपए में स्कीम, iPhone XR 42,000 रुपीज में स्कीम, 35 तक के मिलता है तो ले सकते हो, 42 में रिकमेंडेड नहीं है। iPhone SE 32,000 रुपीज में स्कीम, iPhone 12 mini 62,000 रुपीज में, और मतलब इस पर टर्म्स एंड कंडीशन है और बेसिकली महंगा है, तो मतलब इतना पैसा इतने से फ़ोन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। Oppo Reno 5 Pro 5G 36,000 रुपीज में स्किप, Xiaomi Max 6,000 रुपए में स्किप, Realme Narzo 20 Pro अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन ये सेल में मत लेना, 15,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है, 12,000 रुपए 13,000 रुपए तक के मिलता है तब ठीक है, 15,000 रुपए में स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Micromax In1 10,000 रुपए में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, ऑफर वगैरह लगाओगे 9,500 रुपए में जबरदस्त स्मार्टफोन देख सकते हो यही स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर Poco M2 6GB रैम वाला वेरिएंट 10,500 का मिल रहा है, ऑफर लगाओगे 9,500 तक के मिल जाएगा, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है।
मोटो जी नाइन पावर 12,000 रुपए में स्किप, साथ ही में रियलमी सी 15 9,000 रुपए में स्किप, इन्फिनिक्स 08i 15,000 रुपए में स्किप, रियलमी सी 11 7,500 रुपए में स्किप, रियलमी 7i 12,000 रुपए में स्किप, टेक्नो कैमॉन 16 11,000 रुपए में स्किप, नोकिया 5.4 13,000 रुपए में स्किप, जियोनी मैक्स प्रो 6,500 रुपए में स्किप, एलजी के 42 स्किप, एलजी डब्ल्यू 41 स्किप, एलजी डब्ल्यू 31 स्किप एंड टेक्नो पोवा 10,000 रुपए में स्किप, टेक्नो कैमॉन 15 स्किप, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 11,000 रुपए का ऑफर वगैरह के साथ में 10 में मिल जाएगा। देखना चाहते हो देख सकते हो, ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लिटरली मैं यूज कर रहा हूँ ना, मतलब ये इसमें बिल्कुल भी मुझे एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, क्लीन इंटरफेस है एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस भी काफी सही है। देखना चाहते हो देख सकते हो, टेक्नो स्पार्क 6 गो 8,000 रुपए में स्किप, आईटेल विजन देखना भी मत, टेक्नो स्पार्क गो 2020 7,000 रुपए में स्किप, नोकिया C3 7,500 रुपए में स्किप, नोकिया 3.4 11,000 रुपए में स्किप, नोकिया 2.4 10,000 रुपए में स्किप, लावा Z61 प्रो स्किप, लावा Z66 स्किप। सो गाइस ये पूरी 80 प्लस स्मार्टफोन डील्स थी जो कि ये सेल के दौरान आपको देखने को मिल रही है। मैंने जो स्मार्टफोन रेकमेंड करा आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जो स्किप करने को बोला वो आप स्किप कर सकते हो। एंड एक और एक चीज, और इसके अलावा भी मतलब और बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स जो है बेचने की कोशिश करी जा रही है, जैसे कि ओप्पो के ऑफलाइन स्मार्टफोन है, वीवो के स्मार्टफोन है, सैमसंग के स्मार्टफोन है और टेक्नो के है, कैमॉन, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको पैसे बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ऑफलाइन स्मार्टफोन में मतलब आपको ऑनलाइन जो मिल रहा है सेम प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो दुकान में जाके वही स्मार्टफोन का परचेज करो ना, ऑनलाइन क्यों मंगाओगे। जब आप फील कर पाओगे तो वही प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, चलो इसमें सस्ता मिलता तब समझ में आता, लेकिन वही प्राइस पॉइंट पे जब माल खाली करना है बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, तो उससे आपको बच के रहना चाहिए। जो रेकमेंड करो डेफिनेटली देख सकते हो, जो स्किप करने को बोला आप स्किप कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी ऑनेस्ट वीडियो यहाँ पर ये सेल को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी एंड इसमें से आपकी फेवरेट डील कौन सी है, कोई डील को आप ग्रैब करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन है ये सेल के दौरान में या सेल के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसा कर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।